हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडे सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, और जो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है क्योंकि ये इतना आसान चैप्टर है, कॉल्ड नेशनलिज्म इन इंडिया। है ना, अभी तक हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो यूरोप में कैसे फैली थी, हमने पढ़ा कि जर्मन स्टेट कैसे बना, ब्रिटेन नेशन कैसे बना, फ्रांस के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा भारत पे आ जाते हैं, भारत हमारी माता है उसके बारे में। हाँ, माता ही है ना, नहीं गाय हमारी माता है, भारत माता भी है। Anyways, coming back, oh God, I should not go into too much Hindi, नहीं तो यही सब होता है। तो that's what we're gonna be looking at today. हम इस chapter के deep में भी जाएंगे ना, तभी it's gonna be easier than your first chapter. तो एक तो ये good news है कि आसान chapter है। दूसरी बात guys, इस chapter के लिए मैं बार बार कहूंगी कि इसको आप कहानी की तरह थोड़ा समझ लो। एक होता है ना, एक पता कर लो कि भैया ये आता है ये आता है, क्रोनोलॉजी समझ लो इवेंट्स की, एंड दैट इज इट। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर्स, इससे क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली बच्चों के चेहरे पे खुद ही एक खुशी आ जाती है कि भाई ये तो फुल मार्क्स गारंटीड है, राइट? ऑल्सो अगर हम बात करें कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एसएसटी, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर में देखे गए हैं, तो वो यही चैप्टर है और होना भी चाहिए। है ना, हम इंडियंस है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा मार्क्स का पेपर आना चाहिए। सो दैट इज वॉट सीबीएसई डज, राइट? सो मेक श्योर दैट यू वॉच द सेशन टिल द एंड, ध्यान से पूरा मन लगा के कि अपने देश के बारे में एट लास्ट आप पढ़ रहे हो, राइट? तो आज हमारा है L1 सेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सारा जो कंपाइल्ड लेक्चर्स है वो भी चैनल पे आ गया है, आप उसको भी देख सकते हो अगर आपने L1, L2, L3, L4 वगैरह नहीं देखा है। तो चैप्टर को हम आराम आराम से करेंगे, बीच के पिक्चर्स को भी करेंगे, सो दैट कुछ भी मिस ना हो एनसीईआरटी का। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद वन फ्रेंड, वन सखी, वन एनिमी, है ना, किसी के साथ तो शेयर कर ही लेना, है ना। चलो, people who are seeing me for the very first time, my name is Surabhi Gupta, I am your social studies educator, I've done my bachelor's from Lady Sri Ram College, my master's from Jawaharlal Nehru University, and that's a little bit about me, right? So let's start. Gandhi ji ne ek line di thi ki azadi kisi ke liye bahut mehengi nahi hoti, azadi to hamare saanson mein hai, to kyon apni saans ke liye insaan pay nahi karega। जो लोग बोलते हैं कि आजादी बड़ी महंगी पड़ रही है, बेटा तुम क्या सांस लेने को महंगा बोलोगे, तो आजादी को क्यों महंगा बोल रहे हो? तो ये गांधी जी ने कहा था, बट काश, मतलब क्या लाइनें बोली थी ना तब के फ्रीडम फाइटर्स ने। तो लेट अस बिगिन। नो गाइस, आजादी की जंग तो 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आपका चैप्टर शुरू होता है पहले विश्व युद्ध या पहले फर्स्ट वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, तो हम वहीं से चैप्टर शुरू करते हैं। तो अगर आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप याद है, जो मुझे पता है आप भूल गए होगे, तो उस चैप्टर के एंड में हमने पढ़ा था कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें ऑटोमन एम्पायर का ब्रेकअप हो गया था, जो बाल्कन से उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से ब्रेकअप कर दिया था और वो अब अलग हो गए थे ऑटोमन एम्पायर से। अब ये जो बाल्कन थे उस पे नजर बनाए बैठे थे ग्रेट पावर्स, GREAT, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, उन्होंने अपनी पावर, अपनी नजर बनाई बैठी थी बाल्कन पे। क्यों? बाल्कन पे ऐसा क्या था जो ग्रेट पावर्स पे नहीं था? केला, मां, बंगला, नहीं, उनपे था सी पोर्ट्स, है ना, उनपे, ये इंडिया क्यों बना रही हूं मैं, उनपे था सी पोर्ट्स, तो वो सी के पास थे, वो जो बहुत ही जरूरी एरिया हो जाता है ट्रेड की जब हम बात करें, है ना, उस कोस्ट पे कंट्रोल पाना। तो ये जो ग्रेट पावर से उन्होंने बाल्कन एरिया पे अपनी नजर बनाई बैठी थी, बाल्कन में आपस में लड़ाइयां हो गई थी, फिर ग्रेट पावर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, जिसके वजह से हम आते हैं टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आप कहोगे कि मैम ये यूरोप की खिचड़ी में इंडिया कहां से आता है? तो गाइस, यूरोप की खिचड़ी में ब्रिटेन इन्वॉल्व था, ब्रिटेन ग्रेट पावर का पार्ट था, इंग्लैंड ब्रिटेन, है ना, एंड इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी, ब्रिटेन के ऊपर, इंडिया के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा जमा रखा था, इसीलिए इंडिया ऑल्सो लाइक विदाउट एनीथिंग, कुछ किया धरा नहीं, हम भी उसके पार्ट बन गए। होता है ना, परिवार का एक इंसान बाहर जाके किसी से लड़ लेता है, अब वो जो दुश्मन है वो हम सबका दुश्मन हो गया, आप तो घर बैठ के चिप्स खा रहे थे, फालतू में दुश्मन बन गया। वैसे ही यहीं पर हुआ कि ब्रिटेन पार्ट ले रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट क्योंकि इंडिया उसकी कॉलोनी थी, तो इंडिया ऑल्सो विदाउट वॉन्टिंग टू बिकेम अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब क्वेश्चन आता है कि जो पहला विश्व युद्ध है
जो 1914 से 1918 तक चला था, राइट, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या आया, राइट. तो गाइस हम टाइमलाइन पे बाद में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के. तो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये लाइन याद कर लो, क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल, यू नो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब हम बात करते हैं जंग की, तो ऐसा नहीं है कुछ 10 लोग यहाँ से गए, 10 लोग वहाँ से गए, सर फोड़ा एक दूसरे को और काम खत्म. वी आर टॉकिंग अबाउट वेपन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड फॉर द आर्मी, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज एक्सपेंडिचर. तो जब आप ये एक्सपेंडिचर करते हो तो पैसा कहाँ से आएगा. तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इनकी ये विश्व युद्ध चल रही थी उसमें इंडिया, जो बिल्कुल ही सोने की चिड़िया उनके लिए हो गई थी, है ना, वो उनको फाइनेंस करे. तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी. कस्टम ड्यूटीज होती है जब आप ट्रेड करते हो तो जो आप टैक्स देते हो, है ना, वो बढ़ा दिया था. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो हर इंसान को अब इनकम टैक्स भी देना पड़ गया था. अच्छा, इस टाइम पे इंडिया की बहुत बुरी हालत खुद भी थी, क्योंकि क्रॉप फेलियर बहुत ज्यादा हो रहे थे. तो जब क्रॉप फेलियर हो रहे थे और टैक्सेस बढ़ रहे थे, आपकी आमदनी कम हो रही है क्योंकि क्रॉप फेलियर हो रहे हैं, और टैक्स सरकार बढ़ाई जा रही है, तो आप टैक्स कैसे दोगे. तो लोग बहुत ज्यादा गोल्ड बेच बेच के टैक्स पे कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स इस पैसे के साथ अपना वॉर फाइनेंस कर रहे थे. शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो गई थी हमारे देश में, इतना ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी कि हमारे यहाँ फैमिन आने लगे था, शॉर्टेज ऑफ फूड आने लगा था. अच्छा, उसके बाद एक एपिडेमिक भी आ गया था, हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा फैलने लगे था, कोविड टाइप एक इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से लोग मरने लग गए थे. लोगों को, क्योंकि सिर्फ पैसों की ही जरूरत नहीं थी ब्रिटिशर्स को, सोल्जर्स की भी जरूरत थी, तो जबरदस्ती इंडियंस को रिक्रूट किया जा रहा था इन द ब्रिटिश आर्मी, राइट. तो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी बुरी सिचुएशन हो गई थी. लोगों को एक एहसास होने लगा था कि हमारा एक कॉमन एनिमी है, हम सबका एक दुश्मन, हम आपस में लड़ते हैं, हमारे में कास्ट प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम है, एक दूसरे का हम सिर बहुत फोड़ते हैं, बट हम सबका एक दुश्मन है, और वो है ब्रिटिशर्स, जो हमसे पैसा लूट रहे हैं, जो हमको जबरदस्ती अपने जंग में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, और जो हमारी दिल की बात नहीं समझ रहे हैं. ठीक है, दैट kind of a feeling, collective sense ki we are together and Britishers are our enemy, ye aane lagi thi, right. ab is situation mein hame zarurat thi ek leader ki, aur kaun hota hai wo leader jo aata hai hamari zindagi mein, wo leader hote hai Mahatma Gandhi ji. who is the leader? Mahatma Gandhi. अब कौन है महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी वो फिगर है जिसके बारे में आजकल लोगों को उनकी बुराई करना, उनका क्रिटिसिज्म करने में बड़ा मजा आता है इंटरनेट पे, है ना, कैची थंबनेल्स बनाते हैं लोग, गांधी जी खराब थे, गांधी जी ने ये बेकार किया. बट एनीवेज, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट इन अ पर्सन हु इज नॉट हियर टू डिफेंड हिमसेल्फ. मैं मर जाऊंगी तो मेरे बारे में कितना भी बुरा बोलोगे, भाई मैं तो नहीं उठ सकती ना अपने ग्रेवयार्ड से, मैं ऐसी तो नहीं थी, है ना, गुस्सा आता है मुझे ऐसी बातों पर, पढ़ लिख लो पहले थोड़ा. एनीवेज, सो मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है छोटे से गाँव में पैदा हुए थे, बट ही केम फ्रॉम अ वेरी प्रॉस्पेरस फैमिली. फिर उसके बाद वो इंग्लैंड गए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की लॉ पॉलिटिकल साइंस में, वापस इंडिया आए. फिर उनके परिवार वालों ने देखा कि गांधी जी अभी तक, यू नो, उनको नौकरी वोकरी यहाँ इंडिया में नहीं मिलेगी, ही वॉज अ वेरी शाई पर्सन, तो उन्होंने गांधी जी को साउथ अफ्रीका भेज दिया. अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू किया. जब वो लॉ प्रैक्टिस करना शुरू किया तो फिर वो काफ़ी प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे, उन्होंने कभी भी इन एक डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया था, थोड़ा सा किया था जब लंदन गए थे, बट एज सच उनको रियलाइजेशन नहीं थी कि इंडियंस के अगेंस्ट कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हम ब्राउन स्किन के हैं और वेस्ट में लोग वाइट स्किन के हैं. तो जब वो अफ्रीका गए तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया हाउ पीपल बिलोंगिंग टू ब्राउन स्किन, टू अ ब्लैक स्किन, यू नो, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. तो गांधी जी इससे काफी ज्यादा हर्ट हुए, और सबसे पहले उन्होंने अपना वेपन बनाया साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट. अपार्थीड कौन सी थीड है? अपार्थीड है एक ऐसा सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जहां ब्लैक्स और वाइट्स को सेग्रीगेट किया जाता था. सेग्रीगेट मतलब कि वाइट्स के घर यहाँ होंगे, उनके स्कूल यहाँ होंगे, ब्लैक्स के घर और स्कूल अलग होंगे, आपस में वो शादी नहीं कर सकते, आपस में वो खेल नहीं सकते, वगैरह वगैरह.
ठीक है, जैसे हमारे अपर कास्ट लोअर कास्ट था उस टाइप से व्हाइट्स और ब्लैक्स, ठीक है। तो गांधी जी को अपार्थी सिस्टम सही नहीं लगा तो उन्होंने वहां पर सबसे पहले अपना टूल बनाया कॉल्ड द सत्याग्रह। ही इवॉल्व्ड हिज टेक्निक, हिज वेपन का मतलब है सत्याग्रह। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, आपकी बुक में है, काफी सारे लोग जो है लाइन में है। दीज आर इंडियन वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉलक्रस्ट इन नवंबर 1913। गांधी जी जो है यहाँ पर, आई थिंक ये गांधी जी है जो इनको काइंड ऑफ मार्च करा रहे हैं, तो उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट वहीं निकाला था। अब आप कहोगे कि मैम सत्याग्रह होता क्या है, सुना तो इसके बारे में बहुत ज्यादा है। तो दिस कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, सत्य आग्रह। सत्य होता है ट्रूथ, आग्रह होता है persistence towards truth, कि हम सच के पास, सच को अपने पास लगाए रखेंगे, we are going to stay towards truth। तो सत्याग्रह का concept का सिर्फ इतना मतलब है कि गांधी जी ने बोला कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो, if you are truthful and honest and if you are fighting for truth, है ना, if you are fighting for truth and आपका means of fighting for truth is non-violence, अगर आप non-violence के through बिना हाथ उठाए किसी से लड़ रहे हो, सच का आईना उसको दिखा के उससे लड़ रहे हो, तो truth will triumph, मतलब सच की ही जीत होगी। गांधी जी ने बोला कि देखो हम लोग अगर हथियारों से लड़े तो हम हारेंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स हमसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। बिल्कुल सही बोला गांधी जी ने, आज अगर मैं अपना मशीन गन लेके पहुंच जाऊं तो वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब लेके मेरे सामने पहुंच जाएंगे। तो जो चीजों में हमें पता है कि हम स्ट्रांग नहीं है उससे क्यों लड़े हम ब्रिटिशर्स से। तो गांधी जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया पूरी दुनिया को कॉल्ड द सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर हम अपने धर्मा से, अपने नॉन वायलेंस से, अपने सच से लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अपने प्योर हार्ट और प्योर सोल से लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो एक दिन हम ब्रिटिशर्स को उनके घुटने पर ले आएंगे। और हम ले आए, है ना, सिर्फ गांधी जी नहीं, बहुत सारे लोगों का उसमें हाथ था, बट हम लाइक दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन। नाउ गांधी जी ऑब्वियसली जब वापस इंडिया आते हैं 1915 में, उनको एक्चुअली बहुत सारे उनके फ्रेंड्स होते हैं इंडिया में कांग्रेस पार्टी में, जो उनको बुलाते हैं कि भैया आपने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे काम किए, इंडिया आओ, आपके देश को आपकी ज़रूरत है। तो जब महात्मा गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने सोचा कि मैं एकदम से तो एक बड़ा मूवमेंट नहीं करूँगा, ही वॉन्टेड टू ट्रैवल द कंट्री टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द आम आदमी ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने जगह जगह गए, उन्होंने छोटे छोटे सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किए। तो सबसे पहले इंडिया में आए और उन्होंने खाया केक, चॉकलेट केक नहीं, वो वाले केक की बात नहीं हो रही, सबसे पहले वो गए चंपारण। अच्छा, उसके बाद ऑल्दो केक है, उसके बाद वो गए खेड़ा अहमदाबाद में, और उसके बाद वो गए अहमदाबाद, खेड़ा गुजरात में है, गए सॉरी खेड़ा गुजरात में है, उसके बाद वो गए अहमदाबाद। तो चंपारण में न, जब वो 1917 में गए तो वहाँ के जो इंडिगो फार्मर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रही थी, क्योंकि आपको पता है इंडिगो फार्मिंग एक बहुत ऑप्रेसिव सिस्टम था, ज़बरदस्ती उनसे खेती कराई जाती थी, उनसे पैसे लिए जाते थे। तो गांधी जी ने उनके लिए एक सत्याग्रह शुरू किया। वैसे ही जब वो खेड़ा गुजरात में गए तो वहाँ पर जो फार्मर्स थे वो क्रॉप फेलियर से, उनकी क्रॉप फेल हो गई थी, प्लेग आ गया था, बीमारियाँ फैल रही थी, फिर भी रेवेन्यू बहुत हाई था, तो वहाँ के जो गरीब फार्मर्स थे वो बड़े परेशान थे कि भाई हम इतने गरीब, हम इतना हाई रेवेन्यू कैसे दे। तो वो भी चाह रहे थे कि रेवेन्यू में थोड़ी घटौती हो, इसीलिए गांधी जी ने उनके लिए एक सत्याग्रह लॉन्च किया इन 1917 कॉल्ड द खेड़ा सत्याग्रह। आसान है ना, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1915 गांधी जी आ गए, फिर हम आते हैं 1917 चंपारण, 1917 खेड़ा, 1918 अहमदाबाद, है ना, आसान है, इतना मुश्किल नहीं अगर आप एक थोड़ा सीक्वेंस समझो। तो अहमदाबाद मिल, कॉटन मिल वर्कर्स के जो वर्कर्स थे वो चाह रहे थे कि उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए, एंड दैट इज वाई दे लॉन्च्ड, गांधी जी लॉन्च दिस मूवमेंट फॉर देम। अब जब गांधी जी ने इतने मूवमेंट्स लॉन्च कर लिए थे, छोटे छोटे थे, छोटी छोटी आग लगा रहे थे वो देश में, तो ब्रिटिशर्स को गांधी जी और बाकी काफी सारे नेशनल लीडर्स इस टाइम एक्टिव हो गए थे, इनकी ना एक्टिविटीज पसंद नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली ये थोड़ी ना ब्रिटिशर्स कहेंगे ओ गांधी हाई फाइव, राइट, ऑब्वियसली गुस्सा हो रहे थे वो। इसीलिए ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एक्ट पास किया कॉल्ड द राउलेट एक्ट,
विच वॉज ऑल्सो नोन एज एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 का पास किया 1919 में। अब आप कहोगे कि मैम ये फैंसी एक्ट क्या है, पहले तो समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेचर एक वो बॉडी होती है जो लॉ बनाती है। यहाँ पर कुछ इंडियंस भी थे, इंडियंस ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि भाई ऐसा एक्ट पास मत करो, बट ब्रिटिशर्स ने उनको इग्नोर करते हुए इस एक्ट को पास किया। इस एक्ट को हम लोग वी ऑल्सो कॉल, अच्छा वो बाद में बताती हूँ, इस एक्ट के अंतर्गत पुलिस को, सरकार को बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर दी गई थी कि वो किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए, एंड मतलब विदाउट एनी अपील। ऐसा नहीं है कि वो जो केस है वो कोर्ट के सामने जाएगा या फिर किसी चीज के सामने जाएगा, विदाउट नोटिस यू कैन बी पुट इनटू जेल, राइट। तो एक आपका जो राइट होता है हेबियस कॉर्पस का, हेबियस कॉर्पस का राइट क्या है कि यू हैव द राइट टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। अगर आज मुझे पुलिस जेल में डाल देती है तो कल कोर्ट के सामने मैं बोल तो सकती हूँ भाई ये गलती हो गई है पुलिस से, है ना। तो ये जो एक आपकी राइट है वो आपसे छीन ली गई थी, एंड ऑब्वियसली दिस एक्ट वॉज पास्ड टू कर्टेल द पोलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, सो दैट गांधी जी और उनके तरह जो भी पोलिटिकल रूलर्स लीडर्स हमारे इंडिया में आ रहे थे उनको जेल में डाल पाए विदाउट एनी हवा, विदाउट एनी ट्रायल और वॉरेंट। इस एक्ट को एक्चुअली हम लोग बहुत फेमसली बोलते हैं नो दलील नो वकील नो अपील। बुक में नहीं है बट मजा आता है बोलने में। नो दलील, दलील करोगे तो नहीं, वकील भी नहीं और अपील भी नहीं सुनेंगे हम इस एक्ट के अंदर, राइट। दिस वॉज पास्ड, आफ्टर दिस एक्ट वॉज पास्ड इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैक एक्ट, नॉट जस्ट बाई गांधी जी बट ऑल्सो बाई यू नो मोहम्मद अली जिन्ना। सबने बोला कि भैया ये एक्ट तो ब्लैक एक्ट है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और हमारे मूवमेंट पे को कर्टेल करता है। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स हमारे दोस्त थोड़ी ना थे तो हमें आके केक देंगे, ऑब्वियसली ऐसे एक्ट ही देंगे हमको प्लेट में। तो गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह शुरू किया नेशन वाइड कॉल्ड द राउलेट सत्याग्रह, राइट। राउलेट सत्याग्रह सिटीज में ज्यादातर ऑर्गेनाइज हुआ, जहां पर काफी शॉप्स वगैरह बंद कर दी गई, लोग स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने कहा हम कोई शॉप नहीं खोलेंगे, जो वर्कशॉप्स थी वो बंद कर दी गई, काफी सारे लोग सड़क पे आके उन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स थे, ब्रिटिश क्लॉथ था, उसको जलाना शुरू कर दिया, यू नो, एंड जो रेलवे जो सिंबल्स थे ब्रिटिशर्स के, जैसे रेलवेज हो गई, टेलीग्राफ हो गया, उसको डिसरप्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप बेटा दिल्ली नहीं आ सकते, कहीं भी रहो देश में, क्योंकि दिल्ली आएंगे तो मूवमेंट और बढ़ेगा, और उन्होंने काफी सारे लीडर्स को जेल में डाला। 10 अप्रैल को अमृतसर में जब राउलेट एक्ट का एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना, उस टाइम पे काफी ज्यादा पुलिस फायरिंग की गई ऑन द पीसफुल प्रोटेस्टर्स, एंड यू नो काफी ज्यादा लोगों पे अटैक किया गया। अच्छा, जब ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे पूरा आग लगाई गई तो लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा, और इस डर से कि ये कोई बड़ा मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, वहां अमृतसर के जो मतलब लोकल एक लॉ था, एक मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। मार्शल लॉ क्या होता है कि कर्फ्यू, कि कोई भी 2-3 के ग्रुप से ज्यादा में बाहर नहीं जा सकता, है ना, एंड जनरल डायर को कमांड दिया गया अमृतसर का। नाम तो सबको ही पता है जनरल डायर का, है ना, इनपे काफी काफी मूवीज बन चुकी है। अब आते हैं हम 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को ऐसा क्या होता है, मेरा बर्थडे आने वाला है बट मैं बहुत बाद में पैदा होती हूँ। एनीवेज, तो 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन होता है, बैसाखी के दिन पे लोग आते हैं, दे सेलिब्रेट। नॉट जस्ट दैट, 13 अप्रैल अमृतसर के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन दल खालसा बना था। दल खालसा एक तरीके की ग्रैंड आर्मी थी जो गुरु गोबिंद सिंह ने बनाई थी टू फाइट अगेंस्ट यू नो द एनिमीज ऑफ सिखिज्म, राइट। तो 13 अप्रैल को काफी सारे लोग जलियांवाला बाग में मिले थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। वो इसलिए भी मिले थे कुछ लोग कि उन्हें बात करनी थी राउलेट एक्ट के बारे में, कि कैसे उनके लीडर्स जो है जेल में हैं, पर किसी के पास वेपन्स नहीं थे। अब जब जनरल डायर को पता चला कि लॉ को यू नो कि जो मार्शल लॉ है उसको तोड़ते हुए लोग आपस में मिल रहे हैं, वो अपने सोल्जर्स के साथ गए, बिना लोगों को वार्निंग दिया उन्होंने ओनली एंट्री और एग्जिट, एक ही गेट था एंट्री और एग्जिट का जलियांवाला बाग का, उसको बंद किया और अपने ऑफिसर्स को बोला चलाओ गोली, और तब तक चलाते रहो जब तक तुम्हारी तुम्हारे बंदूक में गोलियां खत्म नहीं हो जाती, है ना।
तो गोलियां चलाई गई, बहुत लोग मारे गए ऑब्वियसली, एंड दिस वाज कंसीडर्ड टू बी अ मैसेकर। मैसेकर क्या होता है? जब आप बस अंधाधुंध लोगों को मारते हो बिना रीजन के, बिना सोचे, बिना उन्हें चांस दिए भागने की, राइट? अब उनसे जब पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, तुम वार्निंग भी दे सकते थे, कुछ लोगों को ही मार देते, सबको ऐसे सबके ऊपर गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी? तो जनरल डायर ने बोला, आई डू नॉट रिग्रेट इट। ही सेड दैट ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। उन्होंने कहा मैं चाहता था कि ये जो लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे, ये कीड़े मकौड़े जो है ना, उनको एक बार सदमा लगे, एक मॉरल इंपैक्ट हो कि भाई ब्रिटिश आ रहा है तो तुम कांपो, तुम डरो। एक फीलिंग, एक होता है ना कि आज जो हो, मतलब एक तुम चीटी हो और तुम्हारे सामने एक बड़ा सा हाथी आ जाए तो तुम डरोगे और ओ में भी रहोगे और ये कितना बड़ा है ना, वैसे उनको लगा कि ऐसे इंडियंस को फील करना चाहिए, राइट? नाउ आफ्टर दिस एंटायर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, हमारे देशवासी चुप तो रहेंगे नहीं, हमें बहुत गुस्सा आया, बहुत क्लैशेस हुए, बहुत अटैक्स हुए, ब्रिटिशर्स भी सप्रेशन कर रहा है, बहुत देश के चारों तरफ काफी ज्यादा क्लैशेस होने लगे, वायलेंट क्लैशेस, सरकार ने भी ब्रूटल रिप्रेशन करना शुरू किया, इंडियंस को ह्यूमिलिएट करना शुरू किया, उनकी नाक रगड़वाई सड़क पे, बोला सलाम करो हमें जब आते हो जाते हो तो, और काफी लोगों को फ्लॉक करना शुरू कर दिया, हंटरों से मारना शुरू कर दिया खुले villages में, तो obviously people, मतलब the situation was going very uncertain, है ना, काफी आग सी लगी हुई थी पूरे देश में। अब महात्मा गांधी ने बोला कि ये सही नहीं है, वायलेंस में हम ना किसी की सुनेंगे ना बोलेंगे और लोगों की जिंदगी भी जा रही है, तो उन्होंने राउलेट एक्ट को कॉल ऑफ कर दिया। अब जो राउलेट एक्ट, जो पूरा राउलेट सत्याग्रह हुआ था, ये सिर्फ कुछ शहरों तक ही सीमित था, एक बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था ये। गांधी जी ने सोचा कि भाई अगला जो मैं मूवमेंट करूंगा वो ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें हिंदू मुस्लिम अपर क्लास लोअर का सब साथ में आएंगे, तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसी कौन सा इशू लिया जाए जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक हो सकते हैं। और लकी फॉर हिम तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध खत्म होती है एंड ब्रिटिशर्स जो है दे इमर्ज एज विक्टोरियस। पता है आपको इसके बारे में, 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री है ना, ब्रिटेन विक्टोरियस होती है। अब हम आते हैं खिलाफत इशू पे। नो क्लास 9 हिस्ट्री अगर आपको थोड़ी सी याद है तो आपको याद होगा कि जो लोग हारे थे उनमें से वन ऑफ देम वाज द ऑटोमन एम्पायर, और जो जीते थे उसमें से काफी सारे लोग थे ब्रिटिश, फ्रांस वगैरह काफी सारे लोग थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स जो है, मतलब एक अफवाह फैलने लग गई थी, और जो सच भी थी, अफवाह नहीं थी सच भी थी, कि ऑटोमन एम्पायर के बाद के ऊपर एक बहुत हार्श ट्रीटी इम्पोज होने वाली है। ऑटोमन एम्पायर को अपना काफी सारा लैंड और काफी सारा पैसा ब्रिटिशर्स को, विक्टर्स को देना पड़ेगा। अब जो इंडिया के मुस्लिम्स थे वो इस बात से खुश नहीं थे। अब आई नो आपके दिमाग में आएगा, इंडियंस हम यहाँ, ऑटोमन एम्पायर अलग ही दुनिया में, है ना, हम कैसे कनेक्टेड? तो गाइज इंडियन मुस्लिम्स जो है ऑटोमन एम्पायर के जो लीडर है, खलीफा कैलिफेट किसी भी तरीके से आप उनको बुला सकते हो, तो खलीफा को अपना लीडर समझते हैं। ऑल इंडियन मुस्लिम्स कंसिडर खलीफा एज देयर लीडर। तो जब ऑटोमन एम्पायर के ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी लग रही है, मतलब खलीफा के ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी लग रही है, तो ये ना हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनको पसंद नहीं आई। तो जो टू लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने डिसाइड किया कि यार इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो उन्होंने कमिटी फॉर्म की, कॉल द खिलाफत कमिटी इन बॉम्बे इन मार्च 1919। गाइस ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, खिलाफत कमिटी इन बॉम्बे इन मार्च 1919। अब गांधी जी को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना मैं एक मूवमेंट लॉन्च करूं जिसमें मुस्लिम्स का खिलाफत इशू भी आ जाए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी एक मूवमेंट लॉन्च हो जाए जिसमें हिंदू पार्टिसिपेट करे। तो उन्होंने कैलकटा सेशन, कांग्रेस का कैलकटा सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, प्लीज ये आएगा, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगी, 1920 में उन्होंने ये प्रपोजल रखा कांग्रेस के लोगों के सामने कि क्यों ना हम एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करें, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मतलब बात तो सही थी, ये बाद में करेंगे। अच्छा चलो, बिफोर वी गो ऑन टू द स्टोरी, सबसे पहले बात करते हैं कि खिलाफत इशू तो आपको समझ आ गया, नॉन कोऑपरेशन क्या होता है। नॉन कोऑपरेशन मतलब जो आप करते हो जब मम्मी पापा कुछ मना कर देते हैं करने से, जैसे आपको गोवा के ट्रिप पे जाना है तो मम्मी पापा कहेंगे आप घर पे बैठो, क्या गोवा के ट्रिप का सपना देख रहे हो, पढ़ाई कर लो थोड़ा।
तो आप बात नहीं करते उनसे, आप वो कहते हैं बेटा खाना खा लो, आप खाना नहीं खाते, वो कहते हैं बेटा नहा लो, बदबू आ रही है, 10 दिन हो गए तो आप नहाते नहीं हो, आप कहते हो बेटा मैं तो यहीं सड़ूंगा, यहीं मैं बायोडिग्रेडूंगा, है ना। तो आप नॉन कोऑपरेट करने लगते हो उनसे, होपिंग कि इतनी बदबू सूंघ कर और बिल्कुल ना खाकर आप उन्हें इतना ट्रॉमेटाइज कर दोगे, वो कहेंगे बेटा जा गोवा और वहां के बीच में नहा ले, है ना। तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। तो वैसे ही गांधी जी ने बोला कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में इसीलिए है क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनका सामान खरीद रहे हैं, हम उनको टैक्सेस दे रहे हैं, हम उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उनकी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उनके कपड़े पहन रहे हैं, इसीलिए तो वो यहाँ है। जिस दिन हमने उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया, जिस दिन हमने बोला हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हारी लॉज नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, उस दिन ब्रिटिशर्स का जो राज है उसका खोखलापन सबके सामने आ जाएगा, राइट। एवरीवन वुड गेट स्वराज। स्वराज मतलब फ्रीडम, मतलब इंडिपेंडेंस, मतलब अपना रूल, है ना। तो गांधी जी ने बोला कि देखो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको हम अलग अलग स्टेजेस में शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों को गवर्नमेंट टाइटल्स मिले हैं, जैसे जैसे होता है भारत रत्ना, नाइटहुड, इस टाइप के जो टाइटल्स मिले हैं वो लोग सरेंडर करेंगे, कहेंगे हमें नहीं चाहिए आपके टाइटल्स, राइट। दूसरा उन्होंने कहा कि वी विल बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज में वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे, कॉलेज जाना बंद कर देंगे, लॉयर्स लॉ करना बंद कर देंगे, और इस तरीके से एक पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होगा, ठीक है। नाउ जब ये मूवमेंट, मतलब जब कलकत्ता सेशन में इस इशू को सामने लाया गया कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन साथ साथ लॉन्च करते हैं, तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला कि यार अभी राउलट मूवमेंट हुआ ही था, राउलट सत्याग्रह हुआ ही था, क्यों ना हम इस बार इलेक्शंस में पार्ट ले, प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्ट ले और इलेक्शंस में जीत के कोई चेंज लाए, है ना। काफी ज्यादा टसल हुई कांग्रेस के बीच में, गांधी जी के बीच में, कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, एंड फाइनली गांधी जी विंस, एंड इन द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 एक कॉम्प्रोमाइज पे हम आए, वेयर द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, ठीक है। अब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कैसे हुआ था, क्या वो सक्सेसफुल था या नहीं, ऑब्वियसली नहीं था, नहीं तो हमें स्वराज तभी मिल जाता, 1947 का वेट नहीं करना पड़ता, बट किस तरीके से मूवमेंट फैला, कैसे फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे आए, दूसरा मूवमेंट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट, ऑल ऑफ दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। बट उससे पहले देयर इज अ मैप दैट यू नीड टू डू फॉर योर एग्जाम, अभी से थोड़ा देख लेते हैं सो दैट इजी हो जाएगा। तो गाइस कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में जहां पर प्रपोजल रखा गया कि क्यों ना हम नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत इशू को लॉन्च करें, एंड इसको एक्सेप्ट किया था नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में। यहां पर अभी तक हम आए नहीं है, आएंगे, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द एरियाज, क्लियर, राइट। चलो अब जल्दी से जाने से पहले होमवर्क कर लेते हैं, आपको अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालना है। गांधी जी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह एवर अगेंस्ट विच सेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत इशू वाज मर्ज्ड विद कांग्रेस, मतलब किस सेशन में खिलाफत और स्वराज नॉन कोऑपरेशन इशू को प्रपोज किया गया था गांधी जी के द्वारा। जो पहला विश्व युद्ध था उसका क्या इंपैक्ट था इंडिया पे, पॉज द वीडियो, लुक एट द ऑप्शंस, लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है आप वीडियो भी देख रहे हो, मजे भी कर रहे हो, गिव अ लिटिल लव टू दिस वीडियो गाइस, प्लीज लेट मी नो हाउ इज द एक्सप्लेनेशन, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड देयर इज सो मच अमेजिंग स्टफ कमिंग फॉर यू, जस्ट स्टे ट्यून्ड इन टू दिस चैनल, थम्स अप दे दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना इस वीडियो को, एंड PDF हर सेशन का आएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो द टेलीग्राम चैनल। डेवलपमेंट चैप्टर हमने इकोनॉमिक्स का किया था, NCERT क्वेश्चंस किए थे, उसका PDF मैंने डाल दिया था टेलीग्राम पे, एंड आई विल सून बी पोस्टिंग द PDF ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। दैट्स इट, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट फॉर द डे, बाय बाय, अगला सेशन लाइव होगा, सो मेक श्योर दैट यू कम फॉर दैट।